छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 5 का हल करना। और जैसे कि पता आप लोगों को ये चैप्टर 1 से है, यूज ऑफ एम इज एंड आर। और यहाँ पे देखिए, मैं कैसे बेईमान हूँ, वह क्यों तैयार है, यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे कैसे क्यों है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप जो है पहले बनाइएगा। जैसे कि कैसे क्यों, इसका जो है पहले डालिएगा। कैसे रहेगा तो आप पहले हाउ डालिएगा, कैसे रहे तो आप हाउ डालिएगा, और क्यों रहे तो आपको व्हाई डालना है, व्हाई। और इसके बाद आपको या तो एम, या तो इज, या तो आर का प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है। इसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए, यदि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, तो यहीं पे आपको नॉट भी लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। और आगे आपको नॉट के बाद क्या करना है, या तो ये जैसे बेईमान है, तैयार है, या तो एडजेक्टिव है, या तो नाउन है, तो ये डालना है इसके बाद लास्ट में, या तो एडजेक्टिव या नाउन, इस तरह से। और आगे जो है इंट्रोगेटिव का ये सिंबल देना है, इस तरह से बनाना है। और याद रहे आपको, एम जो है सदा आई के साथ लगाइएगा, सदा जो है आई के साथ आप एम का प्रयोग कीजिएगा। और ईज जो है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही हो, शी हो, इट हो, कोई नाम जैसे राम हो, या फिर ऐसे हो, द गर्ल सिंगुलर, तो इन सभी में आपको ईज का प्रयोग करना है, ठीक है। और आर कहाँ प्रयोग करना है, जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर या सेकेंड पर्सन हो, जैसे देखिए, जैसे कि प्लूरल, जैसे कि ये यहाँ पे ये आई जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी, और सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल, जैसे कि दे और द गर्ल्स, और डबल ट्रिपल नाम, जैसे कि राम एंड श्याम, इस तरह से रहे तो आपको वहाँ पे आर का प्रयोग करना है, इस तरह से बनाना है। अगर निगेटिव आए तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं प्रयोग करना है। अगर याद रहे एडजेक्टिव आए तो आपको सीधे लिखना है, लेकिन यदि नाउन आए और वो भी काउंटेबल सिंगुलर, तो ओ एन का भी प्रयोग करना है इस नाउन से पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं कैसे बेईमान हूँ, तो पहले कैसे का डालिए, हाउ लिखिए यहाँ पे, हाउ, और मैं के साथ क्या आएगा, यानी आई के साथ एम आएगा, तो एम लिखिए, हाउ एम, और लिखिए आई, और बेईमान का लिखिए डिसऑनेस्ट, इस तरह से, और इंट्रोगेटिव सिंबल डालिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाना है। वह क्यों तैयार है, तो पहले क्यों का डालिए, व्हाई, और वह जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे ही आएगा, ही के साथ ईज आएगा, तो पहले ईज डालिए, ईज, और ही लिखिए ही, वह क्यों तैयार है, व्हाई इज ही, और तैयार का लिखिए रेडी, और ये सिंबल। रीता क्यों अनुपस्थित है, लिखिए व्हाई, और इज लिखिए इज, और लिखिए यहाँ पे रीता, सब्जेक्ट रीता, और अनुपस्थित यानी एब्सेंट। आप कैसे निर्दोष है, तो कैसे का पहले डालिए हाउ, और आप यानी यू के साथ आर आएगा, लिखिए आर, हाउ आर यू इनोसेंट। तुम क्यों रंज हो, रंज यानी क्रोधी, ठीक है, तो पहले क्यों का डालिए वाई, और तुम यानी यू, यू के साथ आर आएगा, आर, और लिखिए यू, रंज का लिखिए एंग्री, ANGRY, एंग्री। वे लोग क्यों गरीब है, तो वाई लिखिए वाई, और लिखिए आर, और लिखिए सब्जेक्ट दे, और गरीब का लिखिए पुअर। तुम क्यों परेशान हो, लिखिए वाई, और आर लिखिए आर, और यू लिखिए यू, और परेशान यानी ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सिंबल। लड़के क्यों भूखे हैं, तो वाई लिखिए वाई, और लड़के प्लूरल है तो आर आएगा आर, और द बॉयज आएगा यहाँ पे, द बॉयज, और भूखे का लिखिए हंगरी, और इंट्रोगेटिव सिंबल। मरीज क्यों दुखी है, तो फिर लिखिए वाई, और मरीज ये सिंगुलर है तो ईज आएगा ईज, और लिखिए द पेशेंट, और दुखी यानी कि सैड। मरीज लोग क्यों दुखी है, ये प्लूरल है, तो लिखिए वाई, और लिखिए आर, और लिखिए द पेशेंट्स, और दुखी यानी कि सैड। हम लोग कैसे क्रूर है, तो कैसे का पहले डालिए हाउ,
हाउ, और हम लोग यानी कि वी, वी के साथ आर आएगा, आर और लिखिए वी, हाउ आर वी, और क्रूर का क्रूएल लिखिए, क्रूएल क्रूएल। वह कैसे कुरूप है, वह कैसे कुरूप है, ये स्त्री के लिए है, तो कैसे का पहले डालिए हाउ, हाउ और यहाँ पे इज आएगा, इज और वह यानी कि सी, सी और कुरूप का लिखिए अगली, अगली। वह क्यों बीमार है, तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई और यहाँ पे वह थर्ड पर्सन जो है सिंगलर है, इज आएगा, वाई इज और ही लिखिए ही, और बीमार का लिखिए इल या सिक, वाई इज ही इल। आप क्यों गरीब है, तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई और आप यू के साथ आर आएगा, आर और यू लिखिए यू, और गरीब का लिखिए पुअर, पुअर। वह क्यों उपस्थित नहीं है, देखिए ये निगेटिव आ गया है, तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई वाई और वह ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज आएगा, इज और ही लिखिए ही, और यहाँ पे आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट और अनुपस्थित यानी कि सॉरी अनुपस्थित नहीं उपस्थित है, वाई इज ही नॉट और प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट। कुछ सीता और कैसे सुंदर नहीं है, तो यहाँ पे पहले लिखिए कैसे, कैसे का लिखिए हाउ, हाउ और यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज आएगा, इज और लिखिए सीता, सीता और नहीं भी है तो नॉट लिखिए, नॉट और सुंदर का लिखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एल है और यहाँ पे क्वेश्चन साइड डालिएगा। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, तो क्यों का डालिए पहले वाई, वाई और वे लोग यानी कि दे, दे के साथ आर आएगा, आर दे और लिखिए नॉट, निगेटिव है नॉट और संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड, एफ आई ई डी, एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, और यहाँ पे दीजिएगा क्वेश्चन साइन, ठीक है इधर क्वेश्चन साइन दीजिएगा। मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, तो पहले कैसे का डालिए हाउ, हाउ और मैं यानी कि आई के साथ एम आएगा, तो एम दीजिए, ठीक है हाउ एम और लिखिए आई और नॉट लिखिए, नॉट और काइंड लिखिए, काइंड। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए पहले कैसे का हाउ, हाउ और आर लिखिए, आर और लिखिए द, द चूँकि द आएगा यहाँ पे, ये जो है विद्यार्थीगण, तो ये जो है ये कॉमन नाउन है, प्लूरल है लेकिन कुछ विद्यार्थी के लिए है, ठीक है इसलिए द। हाउ आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और यहाँ नहीं भी है तो नॉट पहले डालिए, हाउ आर द स्टूडेंट्स, नॉट और नेक का लिखिए जेंटल, जेंटल एंड और विनम्र का लिखिए हम्बल, हम्बल। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, तो यहाँ पे क्यों का डालिए वाई, वाई और आर लिखिए, आर और यू लिखिए यू, नॉट और प्रसन्न का लिखिए हैप्पी, हैप्पी। आप क्यों नियमित नहीं हैं, तो पहले लिखिए क्यों का वाई, वाई और आर लिखिए, आर और लिखिए यू, यू नॉट और नियमित यानी कि रेगुलर, आर ई जी यू एल ए आर, रेगुलर। और क्वेश्चन साइन डालिएगा इधर, ठीक है। मैं कैसे नियमित नहीं हूँ, तो कैसे का पहले डालिए हाउ, हाउ और यहाँ पे क्या है मैं, तो इसके साथ एम आएगा, तो एम डालिए, हाउ एम और लिखिए आई और नहीं भी है तो नॉट लिखिए, नॉट और नियमित यानी रेगुलर, रेगुलर। पिताजी क्यों तैयार नहीं है, तो वाई लिखिए पहले क्यों का वाई और इज लिखिए, इज वाई इज और लिखिए फादर, फादर और लिखिए नॉट, नॉट तैयार का लिखिए रेडी, रेडी। आप लोग कैसे बेईमान नहीं है, तो पहले कैसे का डालिए हाउ, हाउ हाउ आप लोग यानी यू यू के साथ आर आएगा, आर और लिखिए यू, यू और नॉट लिखिए, निगेटिव है नॉट और बेईमान का लिखिए डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। वह कैसे धनी नहीं है, वह जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि यहाँ पे ही आएगा और ही के साथ क्या आएगा इज, तो पहले आपको कैसे का डालना है हाउ, हाउ और लिखिए इज और लिखिए ही और नहीं भी है तो नॉट, नॉट और धनी यानी कि रिच। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो पहले कैसे का डालिए हाउ, हाउ और मैं तो यानी कि आई आएगा, आई के साथ एम आएगा तो पहले एम डालिए, एम आई और नहीं भी है नॉट और अ लिखिए, अ गुड, गुड और मैन लिखिए, मैन। वह कैसे एक चोर है, तो पहले कैसे का डालिए हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ और वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे इज आएगा, इज ही,
ही और एक चोर, ये चोर जो है ये काउंटेबल है प्लस सिमिलर है और ये नाउन है तो यहाँ पे अ आएगा, अ थिप। आप एक नेता क्यों नहीं है तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई और आप यानी यू, यू के साथ आर आएगा, आर और यू लिखिए यू और लिखिए नॉट, नॉट अ लीडर, एल ई ए डी ई आर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन साइन डालिएगा, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई आर और यू लिखिए यू और नहीं भी है तो नॉट लिखिए नॉट, और आप लोग प्लूरल है तो आएगा डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स लिखिए, डॉक्टर्स। वह क्यों एक नर्स है तो यहाँ पे देखिए, वह क्यों एक नर्स है तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई और स्त्री के लिए है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ई जाएगा, इज सी और एक नर्स, अ नर्स, अ नर्स, अ नर्स।